अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से महाना लाख रुपए कमाना चाहते हैं और आपने यूट्यूब पर एक चैनल बना रखा है तो ये गलतियां कभी मत करना, वरना 10 साल तक भी आप यूट्यूब से एक रुपया भी नहीं कमा पाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ुल्फ़कार यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ुल्फ़कार अली। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने एक यूट्यूब पर चैनल बना रखा है और आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप भी यूट्यूब से महाना लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो चंद ऐसी गलतियां हैं, अगर वो आप करेंगे तो आप कभी भी YouTube पर जो है बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकेंगे, अपने चैनल को कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना ही YouTube पर 10 साल तक भी आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको YouTube से कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी, बल्कि आप डिप्रेस भी होंगे क्योंकि आप इतने अरसे से YouTube पर काम कर रहे होंगे और आपकी वीडियो जो है पे व्यू नहीं आएंगे, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा होगा तो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होंगे कि यार इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूं और मुझे जो है कुछ अर्निंग नहीं हो रही, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे। तो आप लोग ये गलतियां मत करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाज़रीन, नंबर वन पर है, अगर आप चैनल बना रखा है या अभी आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं तो ये एक गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने चैनल बना रखा है या बनाना चाहते हैं तो आप अपने चैनल की जो कैटेगरी है वो एक ही रखें। ऐसा ना हो कि आप चैनल बनाएं और एक महीना तक आप उसके ऊपर न्यूज की वीडियो डालते रहे और एक महीने के बाद आपके व्यूज ना आए, आप कहें कि नहीं यार ये कैटेगरी ठीक नहीं है, मैं अपने चैनल की कैटेगरी को टेक्निकल की तरफ ले जाता हूं और टेक्निकल वीडियोस बनाता हूं। दो महीने आपने उस पर काम किया मगर उस पर भी व्यूज नहीं आए तो आपने उसको भी छोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार लोग गेमिंग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी लाइव गेमें खेलूं, ऑनलाइन गेमें खेलूं और उनको अपलोड कर दूं यूट्यूब पे। आप 3 माह वो करते रहे, आपका चैनल फिर 0 का 0। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल मैंने इतनी मेहनत की, मैं आप लोगों को बताऊं मेरे चैनल पे 1400-1500 के करीब वीडियो मौजूद हैं मगर 3 साल हो गए हैं मैं YouTube से एक रुपया भी नहीं कमा पाया। ये मेरी गलतियां हैं, इन गलतियों की वजह से मैं YouTube से कमा नहीं पाया और मुझे भी ये एक यूट्यूबर ने बताया है कि भाई आपके चैनल के अंदर ये गलतियां हैं, इन्हीं की वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, आप दोस्त जिन्होंने नया चैनल बनाया है या बनाना चाहते हैं, आप अपने चैनल की एक ही कैटेगरी रखें और उस पर चाहे 2 साल मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। और नंबर 2 पे है, अगर आपने अपना चैनल बना लिया है तो उसको जेन्युइन तरीके से प्रमोट करें। ऐसा ना करें कि आप कहीं से सब्सक्राइबर खरीदें, कहीं से वॉच टाइम खरीदें और अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर खरीदने के बाद उसको मोनेटाइज करवा लें और आप समझें कि आप चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मेरे पैसे आने शुरू हो गए। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल बनाने के 6 मंथ बाद मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर भी खरीदे, मैंने वॉच टाइम भी खरीदा और चैनल बनाने से 6 महीने के बाद चैनल मोनेटाइज हो गया और आज 2.5 साल का अरसा हो गया है और मेरे चैनल पे कितने डॉलर बने हैं, अभी के अभी $50 बने हैं। वजह यह है कि मैंने चैनल को 2 नंबर तरीके से उसका जो वॉच टाइम खरीदा, 2 नंबर तरीके से उसके सब्सक्राइबर खरीदे और अब वो चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 1000 सब्सक्राइबर खरीदा और जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर था वो कभी भी मेरी वीडियोस को नहीं देखेगा, उन्होंने जस्ट पैसे लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आप जब भी आप वीडियो डालते हो तो वीडियोस आपके उन 1000 सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाता है। अब जब भी यूट्यूब पर वीडियोस डालते हो और वो 1000 सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाता है जिनसे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और उनको पैसे दिए, अब जब 1000 बंदे में से किसी ने भी आपकी वीडियो को नहीं देखना तो यूट्यूब समझा है कि यार 1000 बंदा जो है इसका सब्सक्राइबर है, इसने वीडियो को देखा नहीं है तो मैं इसको आगे क्यों भेजूं, क्योंकि जो इसका सब्सक्राइबर है उसने वीडियो को देखा नहीं, मतलब कि आपकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं है, आपके 1000 बंदे नहीं देखा, यूट्यूब जो है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता, आपका चैनल उधर का उधर ही रह जाता है। आप अपने चैनल को जनरल तरीके से जो है वो ग्रो करें, कहीं से सब्सक्राइबर ना खरीदें,
अच्छी वीडियोस अपलोड करें ताकि आप लोगों का चैनल जो है वो ग्रो करे और आप लोगों की वीडियोस लोग देखें। नंबर तीन पे जो मैं बात करने जा रहा हूं, नंबर तीन पे यह है कि आप अपने चैनल को जब बना लें तो उसका एक यूनिक नाम रख लें जो कि आपके सर्च इंजन के अंदर आए, जो यूट्यूब की सर्च इंजन के अंदर आए, और बार बार उस नेम को चेंज ना करें। मैंने भी ये गलती की है, मैंने भी अपने चैनल के अंदर जो है आप बहुत बार नाम चेंज किया। अपने चैनल, मेरे दो चैनल्स हैं और दोनों चैनल्स पे मेरी कोई कमाई नहीं है। आप लोगों को सीधा बता दूं, डेली बेसिस पे वीडियोस लगाने के बावजूद भी मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा। 3 साल के अंदर मैंने $50 कमाया और यकीन करें आपने मानना नहीं है कि मेरा 1 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो खर्चा भी आ चुका है। मैंने यूट्यूब के वॉच टाइम और उसके सब्सक्राइबर के लिए कम से कम 20 से 30 हजार रुपया लगाया और उसके बाद मंथली वीकली जो है वो 400 रुपए का पैकेज लगा रहा हूँ। कम से कम 1 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया है और अभी मुझसे मुझे कुछ नहीं मिला। और जो मेरा टाइम है, जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जो मैं इसके ऊपर लगाया, वो भी जाया का जाया गया क्योंकि मेरी इन गलतियों की वजह से। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी ये गलतियां मत करना अगर आप YouTube से कुछ कमाना चाहते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपके चैनल के बारे में कुछ बताता हूं और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकया ही ये गलतियां हुई हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से यूट्यूब पे आप अर्निंग नहीं कर रहे और आप भी ये गलतियां मत करना। चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दोनों चैनल के बारे में बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर देखें मैं अपने चैनल का जो है ना एनालिटिक्स जो है वो ओपन करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने चैनल कब बनाया। तो यहाँ पे मैं लाइफ टाइम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आप देखें चैनल जो था 22 दिसंबर 2019 को बनाया और आज 10 अगस्त 2022 है, तकरीबन 3 साल जो है वो होने वाले। और 3 सालों के अंदर मैंने क्या कमाया, यहाँ पर देखें मैंने $50 कमाए हैं, सारे के सारे मैंने $50 कमाए हैं। और अगर आपको वीडियोज़ के ऊपर ले जाऊँ तो मेरी वीडियोज़ के ऊपर व्यू देखें, यहाँ पे 2, 9, 21, 32, 6, 12, 5, 57, 16, 10, 22, 24, मतलब कि ये व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि मैं कुछ नहीं कमा रहा। यकीन करें YouTube पर बहुत मेहनत की। अगर आप देखें तो मैंने YouTube चैनल के ऊपर जो है वो डेली 3-4 वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये देखें 4 वीडियोज 5 वीडियोज 5 4 4 4, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इसके ऊपर कंटेंट जो था मुख्तलिफ किस्म का लगाता रहा, कभी मैं जॉब का लगाता रहा, कभी मैं गेमिंग का लगाता रहा। यहाँ पर देखें ये अभी स्टोरीज मैंने लगाई हुई हैं, उसके बाद मैं न्यूज़ पे गया और कुछ बहुत सारी मैंने कम से कम 300 से 400 वीडियोज पुरानी जो थी मैंने डिलीट कर दी, जो गेम के मुतालिक थी या जो जॉब के मुतालिक थी। अब ये स्टोरीज वाली हैं क्योंकि इन पर कुछ वॉच टाइम है और उसके बाद न्यूज़ वाली है। तो आप लोग भी ये गलती मत करना क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो मेरी तरह भी आप पछताओगे और आप 2-3 साल मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और आपका टाइम पैसा सारा कुछ जाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।